अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनोबर और आप देख रहे हैं सनोबर कुक्स यूट्यूब चैनल। माह रजब शुरू हो चुका है तो आज हमने सोचा कि रजब के हवाले से कोई रेसिपी बनाई जाए, तो इसलिए हम आज अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो देख लें। 3 कप मैदा, 1.5 कप हमने लिया है इसके लिए सूजी, और 1.5 कप हमने लिया है शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जितना कम और ज़्यादा खाते हो। मैंने 1.5 कप लिया है। तिल लिया है हमने इसके लिए 3/4 कप। घी लिया है हमने 3 टेबल स्पून भर के, और इलायची पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून। दूध लिया है इसको डो बनाने के लिए, इसको हम बताएंगे आपको कि कितना इसमें लगा। अभी मैंने 1 कप लिया है। इसमें 1-2 चीज़ें और डालेंगी जो मैं आपको वक्फे से बताती रहूँगी जैसे जैसे डालूँगी। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है, इसको इसी तरीके से फॉलो करें और वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में सूजी डालेंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे, मिक्स कर लेंगे फिर से। 2 अंडे शामिल करेंगे इसमें, और साथ ही साथ हम इसमें मेल्ट किया हुआ घी भी शामिल कर देंगे। 2 चुटकी इसमें नमक और 2 ही चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बाकी का डो जो है हम हाथों की मदद से तैयार करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका डो बना लेंगे। दूध को जो है एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें जितनी ज़रूरत हो। मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने कितना दूध इस्तेमाल किया है। इसका सख्त डो बनाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल के इसका हार्ड डो बना लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट से अच्छी तरीके से गूंदें। 5 मिनट गूंदने के बाद ये डो हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और इतना डो बनाने में है हमारे जो मिल्क इस्तेमाल हुआ है 100 ml के करीब। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, डो हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे हम काउंटर पे थोड़ा सा रोल कर देंगे और 3 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। अब एक एक पीस लेके हम इसे रोटी की तरह बेल देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। मीठी टिक्कियाँ जो हैं हमेशा से गोल बनती चली आ रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि इनको क्यों ना और खूबसूरत बनाया जाए, तो इन्हें हम 3 तरह के शेप में कट करेंगे। मेरे पास है स्टार शेप, हार्ट और राउंड। तो हम ये 3 तरह के शेप में बनाएंगे आज। तो देखिए जनाब, ये 3 शेपों में हमारे मीठी टिक्कियाँ कट रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब ये फ्राई होकर और अच्छी लगेंगी। और एक चीज़ और इसमें आप नोट कर लें कि अगर आप ज़्यादा हार्ड पसंद नहीं करते तो इसमें मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, तकरीबन 1/2 कप। मुझे बिल्कुल ऐसे बिस्किट की तरह पसंद है, इसलिए मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप डाला है। चलिए, अब एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोन नज़र आ रहा है ऊपर रखा अक्स में, लेकिन ये फ्राई नहीं हो रहा। अब इसके अंदर हम एक छोटी सी बॉल बना के डाल देंगे देखने के लिए कि तेल कितना गर्म है। इसको ऐसे ही रहना चाहिए बिल्कुल नीचे बैठा हुआ, या आहिस्ता आहिस्ता खुद फ्राई होकर ऊपर आ जाएगा। तो हमारा तेल तैयार है बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मीठी टिक्कियाँ डालना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसकी आँच जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि आराम आराम से ये गोल्डन ब्राउन होने तक सिक जाए, वरना ये अंदर से गीली और कच्ची रहेंगी और ऊपर से बिल्कुल एकदम से जल जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो बड़े इत्मीनान और सब्र के साथ इसने फ्राई कीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते रहें इनको ताकि ये एक साथ एक जैसी सीखें।
कहीं से कम और ज़्यादा नहीं। जी तो अभी हमने हार्ट वाले शेप डाले हैं इसमें, इनको भी हम उसी तरीके से आराम से सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इसे सब्र के साथ करते जाइए ताकि बहुत अच्छे से सीख जाए। देखिए कितनी अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं ये, अभी मुझे तो देख के मज़ा आ रहा है उनको। इसके बाद हमारे स्टार फ्राई होंगे तो फिर हम इनको फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये देखिए तैयार हो गए, हम इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे स्टार फ्राई होने शुरू हो गए, इनको भी सेम तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुके हैं, इनको अब हम निकालते हैं प्लेट में। और आप इस माह रजब में जो है कुंडों की नियाज में इस बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए हम डिश आउट कर चुके हैं इन्हें, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसको एक महीने से ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।